हेलो क्लास थर्ड, टुडे वी विल स्टार्ट न्यू चैप्टर, चैप्टर 3, सॉइल। इन दिस चैप्टर वी विल लर्न अबाउट व्हाट इज सॉइल एंड हाउ सॉइल इज फॉर्म एंड व्हाट डज सॉइल कंटेन्स, डिफरेंट टाइप ऑफ सॉइल्स एंड यूजेस एंड इम्पोर्टेंस ऑफ सॉइल। ओके, सो एट द एंड ऑफ दिस चैप्टर द you will be able to learn about soil, how to explain formation of soil, identify the contents of soil, identify the types of soil and uses of this soil. First of all, what is soil? Soil hoti kya hai? Okay, soil is the upper layer of earth in which plants grow, on which we walk. आपने देखा होगा जो soil जो है वो जो आपको दिखती है सिर्फ वही नहीं होती, इसकी काफ़ी सारी layers होती हैं। जो earth होती है उस earth की काफ़ी सारी layer होती है, तो जो ऊपर वाली, सबसे ऊपर वाली जो layer होती है that is called soil, जिसमें कि जो crops हैं, जो plants हैं वो grow करते हैं। ओके, जिसके ऊपर हम लोग चलते हैं, जो जब जिस सॉइल के ऊपर हम लोग वॉक करते हैं, दैट इज सॉइल। एंड हाउ इट फॉर्म्स, कैसे ये तैयार होती है, कैसे बनती है सॉइल? सॉइल इज फॉर्म्ड व्हेन रॉक्स ब्रेक डाउन। जब सॉइल कैसे बनती है, रॉक्स जो होती हैं, हम लोगों ने SST में पढ़ा था कि डिफरेंट टाइप के लैंड फॉर्म्स होते हैं, अलग अलग टाइप के लैंड फॉर्म्स होते हैं। तो जो बड़े बड़े रॉक्स होते हैं, जब वो छोटे छोटे पीसेस में ब्रेक डाउन हो जाते हैं, टूट जाते हैं, तो क्या बनता है, सॉइल फॉर्म होती है। एंड रॉक्स ब्रेक्स इनटू स्मॉल पीसेस ड्यू टू द एक्शन ऑफ वाटर, विंड, हीट एंड कोल्ड। तो अलग अलग रीजंस की वजह से, अलग 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 एक्शंस की वजह से, जैसे कि वाटर है, विंड है, यानी कि तेज बहाव के कारण कई बार वाटर का प्रेशर इतना तेज होता है, कई बार विंड्स इतनी तेज होती हैं, हीट की वजह से, कोल्ड की वजह से वो जो रॉक्स है वो टूटकर छोटे स्मॉल पीसेस में चेंज हो जाती है और फिर क्या बनती है, फिर बनती है सॉइल। एंड इट टेक्स मिलियंस ऑफ ईयर्स फॉर रॉक्स टू ब्रेक अप इनटू टाइनी पार्टिकल्स। लेकिन ये प्रोसेस जो होता है वो कोई एक दिन का प्रोसेस, दो दिन का प्रोसेस नहीं होता। इस प्रोसेस में मिलियंस ऑफ ईयर्स लग जाते हैं, कई सारे सालों, हजारों साल लगने के बाद तब ये सॉइल जो है वो बनती है। एंड डेड एंड डिकेड प्लांट्स एंड एनिमल्स मैटर आल्सो मिक्स विद टाइनी रॉक्स टू फॉर्म सॉइल। तो ये टाइनी जो पार्ट्स होते हैं, टाइनी रॉक्स के जो पीसेस होते हैं, सिर्फ इन पीसेस से ही नहीं बल्कि इसमें कुछ जो हमारे, जो देखा होगा आपने प्लांट्स जब लगे हुए होते हैं, ट्रीज लगे हुए होते हैं, तो कई सारी पत्तियां जो है वो अपनी नीचे गिरा देते हैं, है ना? आपने देखा होगा सूखी सूखी पत्तियां पेड़ों की नीचे गिरी हुई होती हैं, तो वो पत्तियां जो हैं वो उस सॉइल के अंदर मिक्स हो जाती हैं और वो काफ़ी लंबे टाइम बाद सड़ करके वो, और जो कुछ एनिमल्स होते हैं वो भी, उनके भी जो डेड बॉडीज जो होती हैं वो उसके अंदर मिक्स होकर के कई सारे सालों में जा करके वो भी उन रॉक्स के जो पार्टिकल्स हैं, टाइनी रॉक्स पार्टिकल्स जो हैं उसमें मिक्सअप हो जाते हैं और फिर ये सॉइल जो है वो रेडी होती है। ओके, तो नेक्स्ट है व्हाट डज सॉइल कंटेन। अब सॉइल के अंदर होता क्या क्या है, क्या क्या चीज़ें हैं जो इसके अंदर मिलती हैं। सॉइल कंटेन्स रॉक्स एंड स्टोन्स ऑफ डिफरेंट साइजेस। अब देखिए यहाँ पर आपको पिक्चर दिखाई दे रही है, दिस इज सॉइल, है ना? अब यहाँ पर आप देख रहे हो रॉक्स एंड स्टोन्स। यहाँ पर रॉक्स के कुछ पीसेस हैं जो नीचे आपको दिखाई दे रहे हैं, रॉक्स हैं, कुछ स्टोन के पीसेस हैं वो उसके अंदर, अलग अलग साइज के आपको रॉक्स के पीसेस और स्टोन्स जो है वो इसके अंदर आपको देखने को मिलेंगे। देन क्ले, सैंड, ग्रेवल। क्ले कंसिस्ट ऑफ वेरी फाइन पीसेस ऑफ रॉक्स। जो क्ले होती है उसमें बहुत ही छोटे छोटे पीसेस जो हैं वो रॉक्स के होते हैं। एंड सैंड कंसिस्ट ऑफ ग्रेनी बट बिगर पीसेस ऑफ रॉक्स। और जो सैंड होती है
उसके अंदर काफी बहुत जैसे ग्रेन्स के दाने होते हैं ना उस तरीके से, लेकिन थोड़े से बड़े जो है वो रॉक्स के पीसेस उसके अंदर देखने को मिलते हैं। एंड ग्रेवल कंसिस्ट ऑफ स्मॉल स्टोन, और ग्रेवल्स जो होते हैं उसके अंदर छोटे छोटे स्मॉल स्टोन्स जो है वो देखने को मिलते हैं। देन मिनरल्स विच हेल्प प्लांट टू ग्रो, इसके अलावा सॉइल के अंदर क्या होते हैं डिफरेंट टाइप के मिनरल्स भी जो है उसके अंदर पाए जाते हैं जो कि प्लांट को हेल्प करते हैं ग्रो करने में। देन नेक्स्ट क्या होता है सॉइल के अंदर, जैसा भी थोड़ी देर पहले मैंने बताया कि डेड जो पार्टिकल्स जो होते हैं प्लांट के वो उसके अंदर मिलते हैं, कुछ एनिमल्स जो हैं वो भी उसके अंदर मिलते हैं, जैसे डेड एंड डिकेड प्लांट एंड एनिमल। जो एनिमल्स कई बार आपने देखा होगा कि मर जाते हैं, उनकी डेड बॉडीज को भी हम लोग अंदर जो हैं सॉइल के अंदर दबा देते हैं, तो वो भी लंबे टाइम बाद बहुत सालों हजारों सालों में जो है वो ह्यूमस में चेंज हो करके और वो सॉइल के अंदर मिक्स हो जाते हैं। ओके, डेड एंड डिकेड प्लांट्स एंड एनिमल्स मैटर कॉल्ड ह्यूमस, जिसको कि बोलते हैं ह्यूमस। ह्यूमस प्रोवाइड न्यूट्रिएंट्स फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट, और ये जो ह्यूमस होता है वो बहुत ही यूजफुल होता है, और ये जो प्लांट्स होते हैं उसकी ग्रोथ के लिए बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो इससे मिलता है। इसके अलावा सॉइल में क्या मिलता है, एयर एंड वाटर, इसके अलावा एयर और वाटर भी सॉइल के अंदर पाया जाता है। तो इस तरीके से इन सभी चीज़ों को मिला करके जो है वो सॉइल बनती है। नाउ लेट अस लर्न डू सम एक्सपेरिमेंट टू नो मोर अबाउट सॉइल। अब देखिए आपकी नेक्स्ट पेज पर एक इंटरेस्टिंग आपको सॉइल के लिए एक एक्सपेरिमेंट, एक एक्टिविटी जो है वो दी हुई है। ये एक्टिविटी आपको करनी है घर पर, और इसमें ज़्यादा कुछ आइटम्स भी आपको नहीं चाहिए। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि एक यहाँ पर ग्लास का जार दिया हुआ है। तो आपको करना क्या है, इस एम का जो एक्टिविटी का जो एम है वो क्या है, टू फाइंड आउट व्हाट सॉइल कंटेन। इस एक्टिविटी से आपको पता चलेगा कि सॉइल के अंदर क्या क्या जो है आइटम्स होते हैं। तो इसके लिए आपको चीज़ें क्या चाहिए, थिंग्स रिक्वायर्ड अ ग्लास जार। सबसे पहले हमें एक ग्लास जार चाहिए, देखा होगा आपने घर पर कई सारे आपके मम्मा की किचन में आपको ग्लास जार मिल जाएंगे, जिसमें पिकल या जैम का जो जार होता है उसको आप यूज़ कर सकते हैं, खाली जार जो है वो ले सकते हैं आप इस काम के लिए। एंड हैंडफुल ऑफ गार्डन सॉइल, और इसके अलावा आप क्या लेंगे, वाटर, एक ग्लास जार वाटर एंड हैंडफुल ऑफ गार्डन सॉइल। गार्डन सॉइल जो है एक मुट्ठी आपको गार्डन सॉइल जो है वो लेनी है। उसके बाद आपको क्या करना है, मेथड, पुट द सॉइल इन द जार, उस जार के अंदर आप उस सॉइल को जो एक मुट्ठी सॉइल आप लेकर के आएंगे गार्डन से उसको उस जार के अंदर आपको डाल देना है। देन एड अ ग्लास ऑफ वाटर एंड मिक्स द सॉइल एंड वाटर वेल। उसके बाद आपको उसमें थोड़ा सा एक ग्लास वाटर जो है वो डाल देना है, और उसके बाद उस सॉइल के साथ में उसको इस तरीके से मिक्सअप कर देना है, अच्छे से मिक्सअप कर देना है, शेक कर देना है उसको। एंड देन लेट द मिक्सचर स्टैंड फॉर 15 to 20 minutes, और 15-20 मिनट के लिए उसको आपको छोड़ देना है। उसके बाद आप क्या ऑब्जर्व करेंगे, नाउ ऑब्जर्व द जार। अब उसके बाद आपको ऑब्जर्व करोगे आप जार में क्या क्या देखोगे, व्हाट डू यू सी एट द बॉटम। आप बॉटम में अगर देखते हो, ये एक्टिविटी अगर आप करोगे अपने गार्डन से, आप एक मुट्ठी बिना कुछ देखे हुए आप सॉइल जो है लेकर के उसमें डालोगे, उसको मिक्स करके 15-20 मिनट्स के लिए छोड़ दोगे, तो आप क्या ऑब्जर्व करोगे कि नीचे बॉटम में, यानी कि यहाँ पे आप जो बॉटल में देख रहे हैं ना कि सबसे नीचे की साइड बॉटम में आप क्या देख रहे हो, यहाँ पर कुछ पेबल्स और मड जो है वो नीचे जो है जमा हो गई है ना। और नेक्स्ट व्हाट डू यू सी अबव द पेबल्स एंड मड, पेबल्स और मड के ऊपर वाले अगर पार्ट को आप देखोगे वहाँ पे आपको क्या दिखाई देगा, कुछ मडी वाटर, गंदा सा पानी जो है वो दिखाई देगा, कुछ क्ले सैंड से मिक्स किया हुआ। नेक्स्ट आप देखोगे व्हाट डू यू नोटिस ऑन द टॉप, टॉप पर आप क्या देखोगे, थोड़ा सा क्लियर वाटर जो है वो ऊपर की तरफ आपको दिखाई देगा।
एम, क्या एम है इस एक्टिविटी को करने का? टू ऑब्जर्व द सॉइल कंटेन वाटर. आप देखोगे कि वाटर जो सॉइल है उसके अंदर वाटर जो है वो मिला हुआ है, मिक्स किया हुआ है. एंड थिंग्स रिक्वायर्ड, दूसरा जो आपको एक्टिविटी करनी है कि आपको ये पता करना है कि सॉइल के अंदर वाटर होता है, ये पता करने के लिए आप क्या करोगे? सेकंड एक्टिविटी के लिए आपको करना क्या है, ये देखने के लिए कि वाटर के सॉइल के अंदर भी वाटर होता है, आपको क्या करना है? थिंग्स जो आपको रिक्वायर्ड हैं, एक आपको चाहिए सॉइल एंड अ क्लीन बॉटल ऑफ ग्लास. इसके लिए भी आपको एक साफ सुथरी कांच की बॉटल जो है वो चाहिए, डब्बा. एंड देन आपको करना क्या है, पुट सम सॉइल इन द बॉटल, कुछ सॉइल जो है उस ग्लास जार के अंदर आपको डाल देना है. एंड देन क्लोज द माउथ, उसके माउथ को जो ऊपर वाला पोर्शन है उसको कवर कर देना है अच्छे से बॉटल को विथ अ कॉर्क. एंड लीव इट इन द सन फॉर अबाउट हाफ एन आवर, आधे घंटे के लिए आपको उसको कवर करके और धूप में सन लाइट के अंदर आपको जहाँ पर सन रेज आ रही होगी वहाँ पर उसको आपको रख देना है. व्हाट डू यू ऑब्जर्व, व्हाट डू यू नोटिस, आप क्या देखोगे उसमें? आप देखोगे कुछ टाइम बाद उसके जो ऊपर वाला जो पोर्शन है यानी कि जो उसका लेड होगा उस पर आप देखोगे कि कुछ वेपर्स जो हैं वो वहाँ पर जमा हो जाएंगे. क्यों? क्योंकि जो सन रेज उस सॉइल के ऊपर पड़ेगी तो उसमें जो मॉइस्चर होता है सॉइल के अंदर वो क्या होगा, वो वेपर्स बन के उसके लेड के ऊपर जाके जमा हो जाएगा. तो इससे आपको पता चलेगा एक्टिविटी से कि सॉइल के अंदर क्या होता है, वाटर होता है, वही मॉइस्चर जो है वही तो जाकर के वेपर्स बन के लेड के ऊपर जमा होगा, है ना. तो इससे इस एक्टिविटी से आपको क्लियर हो जाएगा कि किसी भी सॉइल के अंदर, कोई भी आप जो सॉइल लेकर के आओगे उसके अंदर वाटर भी कंटेन होता है. नेक्स्ट जो एक्टिविटी है एक्टिविटी 3, उसमें आपको क्या पता करोगे, टू ऑब्जर्व द सॉइल कंटेन एयर, सॉइल के अंदर एयर होता है इस चीज़ को प्रूफ करने के लिए फिर से एक एक्टिविटी करेंगे. आपको करना क्या है इसके लिए, जो थिंग्स हमें रिक्वायर्ड हैं दैट इज ड्राई सॉइल, सूखी सॉइल हमें चाहिए, एंड ग्लास बाउल एंड वाटर. ओके, देन मेथड, आपको करना क्या है, पुट सम ड्राई सॉइल इन अ बाउल, एक बाउल के अंदर आपको कुछ सूखी सॉइल जो है वो डालनी है. एंड देन पोर वाटर स्लोली, और धीरे धीरे आप उसके अंदर जो है वो वाटर पुट करोगे, डालोगे. यहाँ पे आप देख रहे हैं यहाँ पर दिया हुआ है एक्टिविटी. देन यू विल सी एयर बबल्स फॉर्म एज यू पोर वाटर, जैसे जैसे आप उसके अंदर वाटर डालोगे पोर करोगे आप क्या देखोगे, कुछ बबल्स जो है वो उसके अंदर उठने स्टार्ट हो जाएंगे. ऐसा क्यों होगा, व्हाई डज इट हैपन, ऐसा क्यों होता है? इसलिए होता है क्योंकि उस सॉइल के अंदर क्या होती है, एयर, और वो एयर जब आप वाटर ऊपर डालोगे तो वो एयर जो है वो ऊपर की तरफ निकलना, बबल्स के रूप में निकलना स्टार्ट कर देती है. देन लास्ट कंक्लूजन क्या निकलेगा इन थ्री एक्टिविटीज का, इट हैपन्स बिकॉज द एयर इन द सॉइल एस्केप एंड फॉर्म बबल्स. और जो इसका कंक्लूजन है कि इस जो हमारी सॉइल है उसके अंदर क्या होती है, एयर होती है, जिसकी वजह से वो बबल्स जो है वो फॉर्म होते हैं. तो ये थ्री एक्टिविटीज़ आप यहाँ पर घर पर आज करके देखेंगे, और जो भी हार्ड वर्ड्स जो इस चैप्टर में आए हैं वो आपको करने हैं, लिखने हैं, हार्ड वर्ड्स अंडरलाइन करने हैं, उनको नोट डाउन करना है अपनी नोटबुक में, और साथ ही साथ उनको लर्न भी करना है. साथ में ये तीन एक्टिविटीज़ जो अभी हम लोगों ने यहाँ पर की हैं वो आपको करके देखनी है. नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ सॉइल्स एंड यूजेस ऑफ सॉइल. ओके, अलग टाइप की जो सॉइल्स, कितने टाइप्स की, डिफरेंट टाइप की सॉइल्स जो है वो होती हैं उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, और सॉइल हमारे लिए कितनी यूजफुल है वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखते हैं. ओके, तो अभी आज के लिए इतना ही, बाय बाय.